समाजवादी सरकार में नेताजी ने यश वारती से प्रदेश के लोगों को सम्मानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में उत्कर्ष और अच्छा कार्य किया था। इसलिए आज समाजवादी पार्टी इस बात को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश वारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कर्ष समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कर्ष कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। और सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे सहयोगी साथ बैठे हैं, समय समय पर इन्होंने बात रखी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी व्यवस्था, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले, और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई, तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है।
एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। संतुष्ट हैं आप लोग? तो आने वाले समय में ये सरकार शुरू नहीं कर पाई है, पुनः कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम जो समाजवादी सरकार में शुरू गई थी पुनः शुरू होगी। वो तो कंप्लीट है, आपकी तरफ से कंप्लीट है, इस सरकार ने लागू नहीं होने दिया उसको, खाली उसका नाम भी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया था और उसको भी नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज के लिए व्यवस्था की थी जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। वित्त विहीन शिक्षकों को हम सम्मानजनक मानदेय की सहायता अतिरिक्त रूप से प्रदान करेंगे। समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां तक संभव हो सकेगा गृह जनपद उसके निकट के जनपदों में तैनाती कराने का फैसला लिया जाएगा।